नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि अगर देखा जाए तो अपने हाई से 52 वीक हाई से अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सस्ते दाम में यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सस्ते दाम में अगर हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है तो क्या हम लोगों को डायरेक्टली आंख बंद करके यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, कभी ऐसा यहाँ पे नहीं करते। चाहे वो कोई भी बंदा बता दे कि सस्ते दाम में मिल रही है, चलो बाय कर लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग भी ऐसा ही करने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या कंपनी यहाँ पे बाय करने लायक है या नहीं। अगर बाय करने लायक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप जितना माल हो सके उतना माल इस कंपनी का उठा लीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ पे पछताना पड़ जाएगा। वीडियो की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट किससे करने वाले, जिसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। तो पहले 568, 661, फिर 890। तो प्रेजेंट टाइम में जो रिजर्व है 890 है, जो कि लगातार यहाँ पे दो साल से हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिल रही है। कर्जे की बातें करें तो देखिये, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कोई भी कर्जा पिछले 3 साल से हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, पहले 94 करोड़ का था, फिर 102 एंड अभी 0। मतलब प्रेजेंट टाइम में कंपनी हम लोगों को डेट फ्री देखने को मिल जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। एंड देन वहीं पे अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी अगर बातें करें तो देखिए, पहले 20 था, फिर 7, फिर अभी को 18 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है दोस्तों, वो सुपर डुपर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। ऐसा यहाँ पे बैलेंस शीट देखने के बाद यहाँ पे आप लोग खुद यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी अपने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है जून 20 से जून 21 तक का जो होल्डिंग है वो करीब करीब सेम ही हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि पहले वो 1.74 थे, अभी 2.35 हो चुके हैं। देन डीआईएस की बातें करें तो डीआईएस इस कंपनी में और बहुत ही कम उनकी हिस्सेदारी हम लोगों को पहले भी देखने को मिल रही थी, अभी भी हम लोगों को वही देखने को मिल रहा है। देन पब्लिक की बातें करें तो पब्लिक आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी होल्डिंग इस कंपनी में यहाँ पे रख रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स के बाद जो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसी की है तो वो है पब्लिक की। तो P+P का फार्मूला यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये भी एक अच्छी ही बात है। देन दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में थोड़ा और रहते तो और भी अच्छी बात यहाँ पे हमारे लिए रहती। देन यहाँ पे हम आ गए हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, 17 से 21 तक का जो डाटा है वो हम लोगों को रेवेन्यू का अच्छा ही बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को जा रहा है। देन नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बातें करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 17 से 21 तक में अगर देखें तो 19 तक देख सकते हैं कि हम लोगों को प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला। 20 में कोविड के कारण हम बोल सकते हैं कि इसका प्रॉफिट में हम लोगों को गिरावट होते हुए देखने को मिली। एंड जैसे ही मामला थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए हम लोगों को देखने को मिला, 21 में आप देख सकते हैं कि बड़ी जंप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल गई है। मतलब इस सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हम लोगों ने देखा है तो उससे हम लोगों को ये मालूम चलता है कि कंपनी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जा रही है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा यही होता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, इसी से मालूम चलता है कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों की कैसी यहाँ पे चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा हमने देखा उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को फंडामेंटल स्ट्रांग हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। अभी आती है रिटर्न्स की बातें, तो चलिए एक बार रिटर्न्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न्स चेक करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, जो कि मार्केट कैप है। आप देखिए, मार्केट कैप इसका करीब 15,000 करोड़ का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक मिड कैप वाली कंपनी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। देन अगर इसके 52 वीक हाई की बातें करें तो देखिए, 5223 पे यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी अपना 52 वीक हाई अभी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि अभी ही यहाँ पे हाल ही में ही इसने लगाया था। देन अभी आते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, जिन लोगों ने पे इस कंपनी को 5 दिन से बाय किया है वो लाल निशान में हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो गिरावट है आप बोल सकते हैं कि 1.5% के आसपास हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लोग, जो भी लोग इसको कंपनी को खरीदेंगे वो 11% के आसपास प्रॉफिट में है। 6 महीने वालों की बातें करें तो वो 160% के प्रॉफिट में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 1 जनवरी से अगर हम लोग बातें करें तो 385% के प्रॉफिट में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 1 साल वालों की अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, 465% का प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों जब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखा था उसी टाइम हम लोगों ने देखा था कि कंपनी में 2021 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। तो देखिए, उसका जो रिटर्न है वो देखिए 465%
परसेंट का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन वहीं पे 5 साल की बातें करें तो दोस्तों 5 साल में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1343% का हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। देन उससे भी अगर अधिक आप लोग यहाँ पे होल्डिंग करते हैं कंपनी में, तो अब देखिए 15983% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 2007 से मतलब 14 साल में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो एक चीज़ इसके चार्ट से यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलती है, ये सीखने को मिलती है कि अगर यहाँ पे आप लोग कंपनी को जितना लंबा यहाँ पे होल्ड करते हैं, जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, उतना अच्छा रिटर्न्स ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे बना के दे रही है, जो कि सभी चीज़ें आप लोगों के सामने ही यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी के सभी पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोगों को अच्छा ही देखने को मिल जा रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम में अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपनी की बातें करें तो आपने देखा कि 5200 के आसपास यहाँ पे इसका 52 वीक हाई था, एंड अभी देखिए 4500 के आसपास। तो नॉर्मली अगर हम लोग पकड़े तो 10% के आसपास यहाँ पे हम लोगों को ये गिरावट में ही देखने को मिल जा रही है। एंड दोस्तों अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं कि बालाजी अमाइंस है, एंड आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पे ये भागती है तो काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे ये कंपनी भागते हुए देखने को मिल जा रही है। मेरे पास अगर यहाँ पे हम बातें करें तो 1800 के आसपास ये कंपनी मेरे पास है। देन मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को ये वीडियो बनाया था। देन ये कंपनी जब 2800 के आसपास से हम लोगों को देखने को मिली थी तब भी वीडियो बनाया था। उस टाइम भी अगर बातें करें तो ये कंपनी करीब 2500 के आसपास तक यहाँ पे गिरावट होकर आई थी। जब 2800 से 3000 पे थी, वहाँ से 2500 तक यहाँ पे गिरावट आई थी, तब भी मैंने इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था। एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कहां से कहां हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो दोस्तों सस्ते दाम में मिल रही है, अगर आप यहां पे मौके पे चौका छक्का मारना चाहते हैं तो इस कंपनी को यहां पे उठा करके चल सकते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।